हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यमी और बहुत इजी टू मेक है। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन सैंडविचेस और वो भी विदाउट एनी चीज़। सबसे पहले हम स्टफिंग को रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने एक कप ये चिकन लिया है, मैंने इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। बॉयल करते हुए मैंने इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अगर आप बॉयल करते हुए नहीं डाल रहे हैं तो अभी आप ऑयल में पहले पेस्ट डालें एंड देन चिकन को ऐड कर दें। उसके साथ यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम शिमला मिर्च को मैं चॉप करके डाल रही हूँ और उसको धीरे से हमें कुक करना है। कुकिंग बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, शिमला मिर्च में थोड़ी सी क्रंचीनेस सैंडविचेज में अच्छी लगती है, हल्के से बस इसको सॉटे कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। आधा चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक हम बॉईल करते हुए चिकन को तब भी डाल चुके हैं तो बहुत ध्यान से डालिएगा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च का जो पाउडर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक टीस्पून मैं यहाँ पे ओरिगैनो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप नॉर्मल पिज्ज़ा के सैशेज, जो आई रियली होप आप मेरी तरह बचा के रखते होंगे, वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सबको मिक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे इस स्टफिंग को, क्योंकि अभी हम एक डिप भी बनाएंगे, उसमें भी हम स्पाइसेस डालेंगे। अपने स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च जो भी। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबलस्पून मिल्क। जी हाँ, दूध। यही वो चीज़ है जो आपके चिकन को ड्राई नहीं होने देगा और आपकी स्टफिंग को बहुत ही जूसी बनाएगा। थोड़ा थोड़ा करके टोटल 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मिल्क ऐड करूँगी और मिल्क को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, एकदम ड्राई नहीं करना है। जस्ट मिक्स कीजिए, उसको बॉयल आने के बाद 1 मिनट पकाइए और दैट्स इट, डन। लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर आपको अपनी स्टफिंग में रखना है। जब स्टफिंग को हम ठंडा करते हैं तो ये दूध ऑलरेडी थोड़ा सोक हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा गीला रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरी स्टफिंग एकदम ड्राई नहीं है। अब इसी पॉइंट पे मैंने अपना गैस फ्लेम बंद कर दिया था और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम प्रिपेयर करेंगे सैंडविच के लिए एक स्प्रेड। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज। ये मैं प्लेन मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ। आप एगलेस यूज़ कीजिए, विद एग यूज़ कीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून या एक पूरा भर के भी ले सकते हैं ओरिगैनो। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड करिए, क्योंकि अभी हम इसमें चिली सॉस भी डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मे बी मिर्ची उनके लिए हो सकता है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा टोमेटो केचप, कोई भी ब्रांड का यूज़ कीजिए टोमेटो केचप, और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। इस सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और हमारी सैंडविच डिप रेडी है। अब हम अपने सैंडविचेस को प्रिपेयर करते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह का ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। एक स्लाइस पर हम लगाएंगे चिकन स्टफिंग। स्टफिंग को बहुत अच्छे से लगाइएगा, खंजूसी मत कीजिएगा, सारा टेस्ट इसी से आपके सैंडविचेस में आना है। दूसरे स्लाइस पर वो भी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए अपना प्रिपेयर्ड सैंडविच स्प्रेड। ये बहुत ही टेस्टी बनाएगा आपके सैंडविचेस को। और ये स्टफिंग और ये जो स्प्रेड मैंने बनाया है, ये टोटल 4 सैंडविचेस के लिए इनफ रहेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। दैट्स इट, सैंडविच रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा बटर डालकर इसको सेक लेंगे। सैंडविचेस को प्रिपेयर करने के लिए आप तवा यूज़ कर सकते हैं, ग्रिलिंग पैन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जो नॉर्मल सैंडविच मेकर होता है वो यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपको इजीली अवेलेबल है आप उसको यूज़ कीजिए। नॉर्मल तेल के साथ इसको सेक लीजिए, बटर के साथ थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो जो भी आपके प्रेफरेंस से करिए, एंड इट इज़ रेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सुपर क्रंची सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। इनका सरफेस एकदम क्रंची है और अंदर से ये बहुत ही जूसी होंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत यमी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई रियली होप आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।